नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरुण बंसल सोशल सब्सटेंस से। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर आमतौर पर बात नहीं होती है, और ये विषय अब विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और ये विषय आखिर होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और उस विषय का नाम है फोरेंसिक साइंस। आपने अक्सर इस विषय के बारे में टीवी पे कई धारावाहिकों में सुना होगा। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीश राय, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, और उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, आपका बातचीत में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले सर हमें जरा ब्रीफ में अपने बारे में बता दें ताकि दर्शकों सुनने वालों को पता लगे, श्रोताओं को पता लगे कि वो किन से बात कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर जगदीश राय है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो हम एमएससी फॉरेंसिक वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। जी, हाँ तो सर ये जो आपने फोरेंसिक शब्द का इस्तेमाल किया है, हमारी जानकारी इतनी है कि हमने बस कुछ धारावाहिकों में सुना है, तो हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं ये फोरेंसिक क्या होता है। बिल्कुल। वैसे अगर आप सिर्फ शब्द के पीछे जाओ तो फॉरेंसिक का मतलब होता है, ये वर्ड जो है वो फोरम से बना है। फोरम जैसे होता है ना कि कंज्यूमर फोरम या जी पंचायत फोरम, जी बेसिकली जी तो फोरम, या तो वहां से ये वर्ड एक्चुअली इसका मतलब ये बनता है कि जो भी न्याय या जुडिशियल मैटर है या जो केस है उसको उसको लॉजिकली कंक्लूड करने के लिए जो भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उसके बारे में ये बेसिकली। तो ज्यादातर आज के टाइम में इसका मतलब यही है कि जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं तो उनको हम अप्लाई करते हैं, जो जो भी क्राइम केसेस हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और खास करके उनके प्रूफ क्रिएट करना, कलेक्ट करने के लिए, एक जी अच्छा लिंक ढूंढने के लिए और एक क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए जो हम फॉरेंसिक टेक्निक्स को यूज करते हैं, जी तो वो साइंटिफिक टेक्निक्स को यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली। तो किस तरह के टेक्निक्स का सर वो इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ी सी और। बिल्कुल। तो मैं आपको इसका एक बहुत फंडामेंटल बताता हूँ। जो फॉरेंसिक साइंस का जो एक खुद का जो फंडामेंटल है ना, वो आप इस तरह से समझिए कि बहुत इजी है, और वहां से आपको सारी फॉरेंसिक साइंस समझ में आएगी। तो वो ये है कि आपने शार्लोक होम्स की कुछ कहानियां वगैरह पढ़ी होगी जी, बस वहीं से फोरेंसिक हम थोड़ा तो सा स्पेसिफिक वो नहीं पढ़ एक्चुअली रहे। समझ लीजिए फॉरेंसिक साइंस का पहला साइंटिस्ट था, ठीक है। और उसके बाद में एक आता है लॉकार्ड प्रिंसिपल, वो एक तरह से उसका साइंटिफिक वर्जन है, वो कहानियों का साइंटिफिक वर्जन है लॉकार्ड प्रिंसिपल, लॉकार्ड ट्रेस कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल। तो उसका ये मतलब ये होता है कि कोई भी क्राइम होता है तो वहां पे जो क्रिमिनल है, क्राइम साइट है और विक्टिम है, ठीक है, और वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से कुछ न कुछ ट्रेस पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो आज के टाइम में उन्हीं ट्रेस को ढूंढा जाता है। वो साइंटिफिक टेक्निक्स इतनी पावरफुल है कि मतलब बहुत ही छोटी अमाउंट में भी आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको एसोसिएट कर सकते हो विक्टिम या क्रिमिनल या सस्पेक्ट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ डीएनए फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। तो अब डीएनए इज यूनिक फॉर एवरीबॉडी, जी जी द बिल्कुल क्रिमिनल आल्सो हैज सम डीएनए। तो जी इफ ही विल लाइक कम टू योर होम, टच द हैंडल ऑफ योर डोर, देयर ही विल लीव द लेट्स से फिंगरप्रिंट, बट अदर देन द फिंगरप्रिंट मे बी यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द फिंगरप्रिंट दैट इज फेडेड अवे। उसके अलावा भी ही विल लीव सम सेल्स, सेल्स हैज द डीएनए एंड यू कैन एक्चुअली फिंगरप्रिंट द डीएनए एंड टेल द पर्सन वाज देयर। जी तो ये बेसिकली एक एक्सट्रीम मैंने एग्जांपल दिया है कि आप एक सेल के डीएनए से भी एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये इतनी पावरफुल टेक्निक्स है ये। जी तो अब जनरली होता ये है कि कोई लेट्स से देयर इज ए फ्लोर और वहां पे
ब्लड स्टेन्स हैं बट वो वास्ट ऑफ है, तो दे आर नॉट विजिबल विद नेकेड आइज, जी ठीक है। तो लेकिन हम कुछ फोरेंसिक टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे बहुत छोटे अमाउंट में ब्लड भी आप विजुलाइज कर सकते हो, और फिर उसको कलेक्ट करके आप फिंगरप्रिंट पे ये बता सकते हो कि ये किसका है। उससे क्राइम की सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं कि ह्यू माइट हैव बीन हियर एंड व्हाई देर इज अनदर पर्सन हु एक्चुअली डोंट बिलोंग टू दिस होम एंड सो ऑन। जी तो इस तरह से बाकी तो ये जनरल लॉजिक की बात है। अच्छा, तो मैं पहले ये जो बता रहा था ना कि लॉकहार्ट प्रिंसिपल, तो ये मेन प्रिंसिपल है। अब वो यहाँ यहीं से शुरू होता है कि आप बायोलॉजी की टेक्निक्स, जैसे मैंने फिंगरप्रिंट का बताया, वो यूज कर लीजिए। आप फिजिक्स की टेक्निक्स यूज कर लीजिए, जैसे टूल मार्क्स होते हैं, तो टूल मार्क्स को आप बहुत ही मैग्निफाइंग टेक्निक से देख सकते हैं कि ये जो चाकू का जो निशान है वो एक खास चाकू का ही निशान है, क्योंकि एक चाकू के ऊपर भी एक पैटर्न होता है, जी ठीक है। तो वो एक रैंडम इस टाइप का पैटर्न, ऑलमोस्ट यूनिक पैटर्न होता है कि किसी और चाकू से मिलेगा ही नहीं वो। जी जी इसी तरह से केमिकल्स का भी बहुत ही ट्रेस अमाउंट में केमिकल्स को आप डिटेक्ट कर सकते हो, पॉइजनिंग के केस में या जो भी, और बहुत सारी टॉक्सिसिटी और केसेस होते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे साइंटिफिक फील्ड्स की जो हाई एंड टेक्निक्स हैं, जिससे एक बहुत कम अमाउंट के मटेरियल को डिटेक्ट किया जा सकता है, बहुत सिग्नेचर उसके डिटेक्ट किया जा सकते हैं, वो सारे इसमें यूज होंगे। तो एक्चुअली होगा क्या, दैट इन फोरेंसिक लैब्स द एक्सपर्ट ऑफ इंडिविजुअल फोरेंसिक साइंस, इंडिविजुअल बेसिक साइंस फील्ड्स विल बी एनालाइजिंग द एविडेंस। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना चाहता हूँ। जो फोरेंसिक लैब में जो साइंस जो जो हाई एंड पे काम करते हैं, जो एक्चुअल एविडेंस को डिटेक्ट एनालिसिस करते हैं, वो जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी के बेसिक बायोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं। एक्चुअली जी फॉरेंसिक साइंस जो MMSc करवा रहे हैं, वो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ये हो सकता है कि दे कैन बी वेरी गुड एट बीइंग क्राइम साइट इन्वेस्टिगेटर, लाइक गोइंग टू क्राइम साइट एंड जी कलेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ हर टाइप के एविडेंस जो वहां पे हो सकते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड, वो सारे कलेक्ट कर ले, क्योंकि उनको सारा सारा थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता है। तो जी ये इसका स्कोप है जी आजकल। मैं एक थोड़ा सा एक दो बड़े बेसिक प्रश्न आपकी बातचीत से निकले हैं, वो क्योंकि हम स्कूल के बच्चों के लिए भी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वो एक दो बड़े बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। और क्योंकि ये बच्चों को भी बड़ा फैसिनेट करता है, जासूसी विषय है, डिटेक्टिव बनने के लिए भी ये काफी सारी चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो DNA शब्द का आपने इस्तेमाल किया, हालांकि बच्चों के सिलेबस में भी होता है लेकिन उसको समझने में वहां भी नहीं आती है, तो थोड़ा सा हमें इस DNA के बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे कि कैसे हर एक सेल में DNA होता है, कैसे वो पकड़ा जाता है, किस तरह से वो DNA को मैपिंग किया जाता है, थोड़ा सा अगर ब्रीफ में हमें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बहुत ही बिग डिस्कवरी है कि एक्चुअली हमारा जो सारे जो अनुवंशिक गुण, हेरिटेबल बायोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं ना, वो DNA में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली अवर ब्लूप्रिंट ऑफ अवर लाइफ, हाउ वी आर, अवर बॉडी का जो फंक्शनिंग का जो पूरा जो प्रोग्राम है ना, जी जो स्क्रिप्ट है, वो DNA में लिखी हुई है। जी और आपको पता ही है, हम थोड़े थोड़े अलग हैं सब, तो सबका DNA भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो हर एक पर्सन का DNA आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल यूनिक होता है। और हम DNA के सिर्फ वो, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स है जैसे PCR टेक्निक्स है, तो वो सिर्फ उन रीजन्स को पिकअप कर सकते हैं जहां पे वेरिएशन बहुत आई होते हैं, जी ठीक है। तो हम उनका यूज करते हैं और सिर्फ वो वेरिएशन को ही कैच करता है बेसिकली, और इससे हम इसको DNA फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। हम ऑलमोस्ट यू नो कि लाइक 1 in 1 billion पर्सन भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूनिकली ये किस किस पर्सन का DNA है। जी और DNA इवन हेयर के अंदर होता है, हर जगह DNA होता है। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि रिचर्ड डॉकिंस ने एक बुक में लिखा है कि DNA इज रेनिंग आउट देयर। बोलो, DNA की तो बार बरसात हो रही है, जैसे ये पोलन ग्रेन्स बाहर उड़ रहे हैं, कुत्ते के बाल हैं, हर चीज में DNA है, ठीक है। ओके तो हमारे भी जो इवन एपिथेलियल सेल्स हैं, जैसे हम कहीं पे हाथ भी लगाते हैं तो थोड़ा सी सेल्स वहां पे बच जाते हैं, ठीक है। जी तो वी आर शेडिंग मिलियंस ऑफ सेल्स एवरी, एपिथेलियल सेल्स एवरी डे, बाल हमारे झड़ रहे हैं, और वैसे भी सलाइवा, एवरीथिंग वी हैव यू तो नो ये जो DNA आप बता रहे हैं मतलब हमारी हर एक चीज में होता है, चाहे पानी ऑलमोस्ट हर या एक चीज में होता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्राइम सोल्व करने के लिए, कि मान लो इफ समबडी इज विक्टिम ऑफ सम क्राइम,
तो एक जो पिंक मूवी आई थी, तो उसमें एक तरह से यही दिखाया था कि उसमें एक रेप विक्टिम है, तो शी शुड इमीडिएटली गो टू पुलिस एंड यू नो गेट द एविडेंस कलेक्टेड. उसमें वो मिस्टेक ये करती है कि शी टेक्स बाथ, वो नहाती है, उसकी वजह से जो सस्पेक्ट के जो डीएनए मटेरियल है वो वॉश ऑफ हो जाता है. एनीवे तो इसमें ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, और इससे बेसिकली आप इनविजिबल जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उससे भी आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और फिंगरप्रिंट कर सकते हो. अच्छा, मैं वो जो डीएनए इज रेनिंग आउट देयर वाली बात बताता हूँ, उसका भी एक फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस है. बेसिकली जी ये जैसे मैंने बताया ना कि हम हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, पीसीआर टेक्निक, वो सिर्फ खास डीएनए को ही कैच करता है. तो ये जो बार डीएनए रेनिंग आउट दे रहा है उसका कोई खास मतलब नहीं है. हमारे पास क्राइम साइट से जो डीएनए आएगा उससे हम सिर्फ ह्यूमन डीएनए को ही एम्पलीफाई करेंगे, चाहे जी उसमें बाकी का कोई सा भी कितना भी डीएनए, उससे कोई फर्क नहीं. वो दैट इज नॉट ए नॉइज एक्चुअली फॉर अस, है ना, और उससे उससे कोई हिंड्रेंस नहीं है. और ह्यूमन डीएनए में से भी हम सिर्फ वही फ्रेगमेंट्स एम्पलीफाई कर पाते हैं जो कि हाईली वेरिएबल है, ठीक है, जी जी तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी के लिए इम्पोर्टेंट है. जी तो ये इसको आप इन जनरल एक सिग्नल एम्पलीफिकेशन, जो रेडियो रेडियो के अंदर सिग्नल एम्पलीफिकेशन होता है ना, उस तरह का एम्पलीफिकेशन एनालॉजी से इस तरह से समझ सकते हो आप. जी बिल्कुल। लेकिन आपकी बातें सुनते सुनते इतना इंटरेस्ट आता है कि फोरेंसिक की बातें और आपके सुनते भी इंटरेस्ट इतना आ रहा है बहुत कि जासूस बहुत. तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में। कि जैसे आपने बताया ब्लड स्टेन्स हैं, और जरा सा ब्लड स्टेन हो कोई तो उससे भी निकाला जा सकता है, तो थोड़ा ये भी समझाएं कि कितनी इसकी लिमिट होती है कि इतने दिनों तक वो निकाला जा सकता है या इतना ही होना चाहिए, कोई ये भी टाइम पीरियड का भी होता है। जैसे मान लो कोई 1-2 महीने के बाद भी, एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस, की अगर कंडीशंस बहुत ज्यादा ह्यूमिड एंड हॉट नहीं है तो कई वेरिएबल तो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल 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 बिल्कुल. लेकिन जनरली तो 2-3 दिन की ही बात होती है, 1-2 दिन की बात होती है, तो आराम से उससे निकल जाता है. तो जी इमीडिएटली फिर सैंपल को कलेक्ट करके हम उसको प्रिजर्व करते हैं बेसिकली. जी अब इसमें हमें थोड़ा सा बताएं कि स्टडी की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए। स्टडीज बहुत सारी है, जैसे तो कि कोई भी बेसिक साइंस, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है, उनको फॉरेंसिक लैब्स वाले डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं, ठीक है. जी और जो एमएससी फॉरेंसिक हैं उनका भी फ्यूचर में होगा, जैसे अगर कोई फॉरेंसिक क्राइम साइट इन्वेस्टिगेटर टाइप की पोस्ट वगैरह जैसे फॉरेन में होती है, उस तरह से यहाँ पे भी निकलने लगेगी. जी और आजकल तो बेसिकली होता क्या है कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, कॉन्स्टेबल, उन्हीं को थोड़ा सा ट्रेन कर दिया जाता है कि किस तरह से फॉरेंसिक सैंपल को कलेक्ट करना है. जी बाकी फ्यूचर में फॉरेंसिक मोबाइल लैब्स बनेगी, तो उसमें इस टाइप के लोगों की भी जरूरत होगी. जी तो हमें थोड़ा सा अब इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज बताएं कि कोई इसका बीए होता है, बीएससी होता है, एमएससी ये क्या पंजाब होता यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में एक डिप्लोमा कोर्स होता है इन फॉरेंसिक साइंस, है। जी ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस होता है, जी ठीक है, और बाकी तो आगे पीएचडी तो भी इसकी करते हैं लोग. एलिजिबिलिटी थोड़ा सा बता सकते हैं हमें कि जो डिप्लोमा। एलिजिबिलिटी ओपन है, जैसे एमएससी फॉरेंसिक और डिप्लोमा इन फॉरेंसिक के अंदर कोई भी एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स तो बायोलॉजी ग्रेजुएशन के बाद ये एनी साइंस एक्चुअली. एनी साइंस ग्रेजुएट इसको कर सकते हाँ, हैं जी, चाहे वो नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जी जी सबका वो अलग अलग बाद में होता है. जैसे नॉन मेडिकल है तो उनको जो ये बैलिस्टिक्स वगैरह की कुछ ट्रेनिंग दे दी जाती है. जी 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 तो इसके अलावा आप हमें थोड़ा सा कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि फोरेंसिक साइंस से जुड़ा हुआ आपका कोई रियल लाइफ आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिससे जैसे हम लोग उत्तेजित हो रहे हैं कि हाँ भाई ये फोरेंसिक नहीं, मैं तो साइंस। एक्चुअली यहाँ पे पढ़ाता हूँ,
जी रियल जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या जो पुलिस वाला है वो तो थोड़ा सा अलग होता है। हमारे फ्रेंड्स बेसिकली जाते हैं वहाँ पे, CFSL वगैरह में काम करते हैं, जी तो वी आर जस्ट टेकिंग द सेकेंडरी फीलिंग ऑफ दैट थ्रिल जो आप जिसकी आप बात कर रहे हो कि हमारे फ्रेंड वहां पे काम कर रहे हैं। जी मतलब अच्छा यही है, चलिए इसी बात पे बात वो करते जो हैं कि गुंडों को पकड़ने वाली और क्रिमिनल्स को सजा दिलाने वाली जो जी एंजॉयमेंट है वो हमारे स्टूडेंट करते हैं, तो हम उन्हीं से बेसिकली सेकेंडरी फीलिंग लेते हैं। जी जी तो यही बात को दोबारा एक बार बच्चों के लिए दोहरा देते हैं कि कहाँ कहाँ पे जाके जो स्टूडेंट्स हैं वो काम करते हैं, किस तरह की लैब्स होती हैं, किस तरह का डिपार्टमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी होती बहुत बहुत बढ़िया। है, ये जरा एक बार बता दें हमें। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, वो ये जो फॉरेंसिक साइंस है तो इसमें जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती है बेसिकली, और CBI की अपनी भी CFSLs होती है, जी और स्टेट्स की भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। बेसिकली आपको फ्रेंकली बताऊं तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस लेवल की फॉरेंसिक साइंस अदर कंट्रीज में होती है या जिस लेवल की पॉसिबल है वो पोटेंशियल अभी तक इंडिया में यूटिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। जी और फॉरेंसिक साइंस एक्चुअली क्राइम सॉल्व वगैरह करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ये जो कोर्टों के अंदर इतने इतने केसेस लटक रहे हैं, इतने सारे अनपुनिश्ड जो क्रिमिनल्स जा रहे हैं, तो उसमें अब देखो मैं तो ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट का पहला काम ही एक्चुअली सिटीजन्स को सिक्योरिटी एंड जस्टिस देना है, जी तो इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। जी जी बट एनीवे आपका वो बड़ा जब होगा तब यूज़ होगा, बड़ा लेकिन यूज़ उसका मुझे लगता फिलहाल यही है कि MSc फॉरेंसिक साइंस हम यहाँ पे करवा रहे हैं, है। जी। डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस भी है। बाकी जिसी भी फील्ड में MSc वगैरह करते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, वो बाद में भी डायरेक्टली CFSL वाले उनको डायरेक्टली भी रिक्रूट करते हैं फॉर स्पेसिफिक टेक्निक, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये, या जो इवन DNA के लिए भी जो MSc बायोटेक्नोलॉजी वगैरह उनको भी हायर कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये दो चीजें हमें बताई कि अभी शायद इंडिया में उतना हार्नेस नहीं हो पाया है इसका पोटेंशियल। हाँ ये बहुत जरूरी है, हार्नेस होना चाहिए एक्चुअली ये बहुत। इसमें थोड़ा सा हमें ये बताएं, क्या अगर इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो हालांकि बहुत सारा कुछ करती रहती है, तो अगर मान लो अब गवर्नमेंट क्या के इसमें कर, रिसोर्सेज नहीं है तो मैं उसका आपको एक प्राइवेट। छोटी सी बात बताता हूँ कि एक जो DNA प्रोफाइलिंग एक्ट जो है जी वो अभी तक इंडिया का पास नहीं हुआ। वो बेसिकली इस बारे में है कि जो DNA प्रोफाइल्स है उनका डाटाबेस बनाना, जी ठीक है, उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, लेकिन उसके कुछ रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, इसलिए उसका एक एक्ट पास करना होता है, लेकिन वो अभी तक एक्ट पास नहीं हुआ। वो कोई इस पेंडिंग आई थिंक सिंस 6-7 years, ठीक है, अभी तक वो शायद कैबिनेट से लास्ट टू लास्ट ईयर वो पास हुआ था, लेकिन अभी तक फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक वो, ठीक है, तो बहुत स्लो है। तो ये तो चलिए एक बात हो गई कि जो हमने गवर्नमेंट के लिए बात की। दूसरी बात मुझे ये बताइए कि जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट भी जासूसी कंपनियां भी होती हैं, तो क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज यहाँ इंडिया में आपको अंदाजा है कि कोई है कि प्राइवेट। वो एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज की जो रूल्स होते हैं ना, लॉ होता है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन कैन बी कैरीड आउट ओनली बाय गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। हालांकि प्राइवेट एजेंसी थोड़ा बहुत यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का या फिंगरप्रिंट वगैरह का कुछ करते हैं, बट दैट इज लाइक यू नो एडिशनल विटनेस प्रेजेंटेड बाय द डिफेंस लायर इन द कोर्ट डायरेक्टली, तो उसकी वजह से ये प्राइवेट एजेंसी यहाँ पे फ्लोरिश नहीं कर पाई एक्चुअली। जी। चलिए सर, आपसे बातचीत करके आज बड़ा ही यूजफुल लगा हमें, इस विषय में जानकारी मिली और ये पता लगा, ये भी समझ आया कि ये इवॉल्विंग विषय है, इसके हाँ बारे हाँ में हाँ बिल्कुल बिल्कुल करके बिल्कुल। अभी ये जो आपका DNA साथ। प्रोफाइलिंग एक्ट है उस पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जबकि देखो बांग्लादेश वगैरह ने तो ऑलरेडी कर लिया, पर हमारे यहाँ पे भी जल्दी हो जाएगा तो बहुत फायदा होगा उससे क्राइम सोल्व करने में। तो यही उम्मीद करते हैं कि ये विषय भी जो है आने वाले दिनों में और प्रफुल्लित होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत 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 अच्छा लगा अरुण जी, धन्यवाद एक बार आपका फिर। आपका धन्यवाद सर, उन बच्चों की तरफ से भी जिन बच्चों को डेफिनेटली ये पॉडकास्ट पहुंचेगी और जहां उनको समझ आएगी कि हमें क्या बहुत आप बहुत अच्छा अध्यापकों काम कर रहे हो सर, थैंक यू अगेन फॉर टू द सोशल सब्सटेंस योर ग्रुप, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।